जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 दिसंबर 2022 बुधवार आपके राशि के महाराशिफल के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। दोस्तों, इस दिन बुधवार का दिन है, जो कि भगवान श्री हरि गणेश जी का पावन दिन है। इस दिन आप भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, तिथि की अगर बात करें तो शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि के 8:44 तक रहेगा। इसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। वही दोस्तों, नक्षत्र की अगर बात करें तो शतभीसा नक्षत्र 12:46 तक रहेगा। इसके उपरांत पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। आज का अभिजीत मुहूर्त का समय, तो आज के समय में कोई भी अभिजीत मुहूर्त का समय नहीं है। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय की अगर बात करें तो 12:48 से 1:47 तक रहेगा। सूर्य धनु राशि पर ही है, लेकिन चंद्रमा सुबह के 5:55 तक कुंभ राशि में रहेगा। उसके बाद वो कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों, चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करने से इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशि पर क्या होगा, किन चीजों से लेकर इस समय आपको सावधान रहने होंगे और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, इन सभी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। दोस्तों, मीन राशि में चंद्रमा की उपस्थिति की वजह से आप थोड़ा सा निराश महसूस कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, और खासकर यह निराशा आपको अपने करीबी लोगों से ही मिलेगी। हालांकि इस कठिन समय में आगे बढ़ने के लिए आपको सकारात्मक रहने की जरूरत है और इतना ध्यान रखना है कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपने आशा विश्वास को नहीं टूटने देना है। दोस्तों, इस समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और जितना हो सके दूसरों से अपेक्षा ना रखें। दूसरों की गलतियों के लिए उनको माफ करें और बातों को अपने दिल से ना रखें, क्योंकि दोस्तों इससे आपको भी बुरा लग सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आज आप किसी से उम्मीद रखेंगे तो आज आपको निराशा ही हाथ लगेगी। जी हाँ, कोई भी अच्छे काम के लिए शाम 4:30 से 6:30 के बीच करें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। जी हाँ दोस्तों, नीला रंग आज आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। अगर हो सके तो आज आप नीला रंग का वस्त्र पहने, ये आपके लिए और भी अच्छा होगा। यूं समझ लीजिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के सहयोग और मार्गदर्शन से आप कोई खास निर्णय लेने में सहजता महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बातचीत के माध्यम से किसी मसले का हल व समाधान मिल जाएगा। संतान की तरफ से कोई भी शुभ समाचार मिल सकता है, जो कि पूरा घर खुशी के मारे में गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, किसी के व्यवसायिक मामले में बिन मांगे सलाह ना दें। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा आपकी मनहानि हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, नजदीकी संबंधी की मदद करने से पहले अपने बजट का भी ध्यान अवश्य रखें। जी हाँ, आवेश और खुशी के कारण किसी से जो है तकरार न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, व्यवसाय बढ़ाने के लिए किसी के साथ साझेदारी करने की योजना बना रहे हैं तो आपका निर्णय सकारात्मक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, किसी भी अनैतिक काम में दिलचस्पी नहीं करना है, वरना आपकी छवि पर बात आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक जिम्मेदारी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन कुल मिलाकर बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। मन में उत्साह और स्थिरता बनी रहेगी, जिससे आपको अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर उचित परिणाम हासिल होंगे।
पदोन्नति का भी कोई मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। युवा वर्ग अपने किसी प्रोजेक्ट को पूरा कर लेने में राहत महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अत्यधिक जिम्मेदारी की वजह से तनाव में रहेंगे। रुपये पैसे के लेन देन को लेकर कुछ वाद विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए दोस्तों, आज आप लेन देन के काम को स्थगित ही रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी योग्यता पर ही विश्वास रखें। अहम और गुस्से पर नियंत्रण रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत इस समय कोई भी व्यावसायिक निर्णय जल्दबाजी में ना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के सलाह मशवरा कर लें। ऑफिस में पेपर वर्क पूरा करते समय बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत है। जी हाँ, अगर आज के दिन आप कहीं पर हस्ताक्षर दस्तखत कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करिएगा, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही करिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। छोटी सी लापरवाही आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए दोस्तों, लापरवाही करने से आज आपको खास तौर से बचना होगा। जी हाँ, आज किसी अनैतिक अथवा जो है प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कार्य को अंजाम देने में सफल रहेंगे। काम का बोझ अधिक रहेगा, परंतु उसके उचित परिणाम मिलने से आप थकान को भूल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आय कम और खर्च अधिक जैसी स्थिति अभी आपको देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में कुछ मुश्किलें सामने आएंगी। युवा वर्ग लाभ के प्राप्ति के लिए किसी गलत मार्ग को न अपनाएं तथा अपनी योग्यता और क्षमता पर ही विश्वास रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा और अपना दिन जो है अच्छे से व्यतीत करिएगा, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। दिन आपका